नमस्कार, रूपस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी उपमा। उपमा बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं उपमा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। उपमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, आधी छोटी चम्मच शक्कर, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच सरसों। अगर आपको जीरा का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। 3 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, कटा हुआ 1 मीडियम साइज का टमाटर, कटा हुआ गाजर, यहाँ पे 1/4 कप गाजर है, कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ बादाम, 1 बड़ी चम्मच चना दाल, आप चाहे तो चना दाल के साथ उड़द दाल भी ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज, और हमें चाहिए पानी। सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे और पैन में डालेंगे सूजी। जब तक सूजी लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। सूजी लाइट ब्राउन हो गया है, अभी हम इसे एक थाल पे निकाल लेंगे। पैन गर्म ही है, अभी हम इसमें डालेंगे तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम तेल में डालेंगे सरसों और चना दाल, इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, अभी हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। अभी जब तक प्याज लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे फ्राई होने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्च और बादाम, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे गाजर, आप चाहे तो बीन्स और हरी मटर भी ऐड कर सकते हैं। गाजर ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक और फ्राई होने देंगे। गाजर ऐड करने के 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है तो नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी लो मीडियम फ्लेम में पैन को ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। गाजर को छोटे टुकड़ों में काटा है इसलिए पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो लो मीडियम फ्लेम में हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे और बीच में 1-2 बार आके इसे मिक्स कर देंगे। 3 मिनट हो चुका है और गाजर टमाटर सब कुछ अच्छे से पक गया है, अभी हम इसमें डालेंगे भुना हुआ सूजी। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गया है, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से इसे मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। पानी का नाप मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि सूजी की क्वालिटी की वजह से कभी कभी ये ज़्यादा पानी सोख करता है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करके इसे मिक्स करना होगा। ये देखिए, सूजी को जितना पानी सोख करना है वो कर लिया है। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर और शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी लो फ्लेम में पैन को ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट हो चुका है, इसे फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। उपमा तैयार हो चुका है, अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पैन को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। 4 मिनट हो चुका है, अभी हम उपमा को एक सर्विंग बोल पे निकाल लेंगे।
उपमा सर्व करने के लिए तैयार है और मैंने यहाँ पे काजू और कड़ी पत्ता से इसे सजा भी दिया है। आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।